दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की होली भी बहुत अच्छी हुई होगी। तो ये हमारा वीडियो होली वाले दिन का है। हम बना रहे हैं गुजिया, बच्चे हमारे लगे हुए हैं साथ में। ये हम रात को बना रहे हैं, 8:30 बजे के करीब हम गुजिया नमक पारे बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम आटा तैयार कर रहे हैं नमक पारे का। पहले हम नमक पारे बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। तो आप सब लोगों के यहाँ तो सब कुछ बना ही होगा, गुजिया पापड़ जो भी आइटम बनता है आप सभी लोगों ने बनाए होंगे। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है बनाने में, तो हम 8:30 बजे आटा सान रहे हैं और ये हम सोच के चल रहे हैं कि 11 बजे तक हमारी ये गुजिया बनकर रेडी हो जाएंगी। तो बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं, होलिका दहन भी होने वाला है 2-3 घंटे के बाद। हमारे यहाँ रात को ही होली जल जाती है, आपके यहाँ होली कब जलती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बड़ी बिटिया मेवे की तैयारी कर रही हैं और ये आयुष्मान हमारे ये भी लगे हुए हैं काम में। सब लोगों ने मिलके ही बनाया है और इनके पापा भी खोया बना रहे हैं, अभी वो किचन में लगे हुए हैं। सब लोग मिलकर ही बना रहे हैं एक साथ। होली के दिन ही सारे बच्चे हमारा हाथ बटाते हैं, हमारे साथ मिलके हमारा काम करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है इसलिए बच्चों के साथ मिलकर ही करना होता है दोस्तों। ये देखिए हस्बैंड हमारे खोया बना रहे हैं, खोया हमने घर पर ही बनाया है और लगभग खोया हमारा बनकर तैयार है। थोड़ी देर में हमारा खोया बनकर रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको ठंडा करेंगे और चीनी मिलाएंगे, मेवा मिलाएंगे, सब कुछ मिलाएंगे और उसके बाद हम गुजिया बनाने शुरू करेंगे। थोड़े से रसगुल्ले भी बनाने हैं दोस्तों। इधर हमारी गुजिया बन रही है और उधर हमने थोड़ी सी चाय भी रख दी है पीने के लिए। और आटा हमारा रेडी हो चुका है नमक पारे का। सबसे पहले हमने नमक पारे ही बनाए हैं और उसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नमक पारे बनाने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने भी नमक पारे बनाए होंगे, हम थोड़ी सी रेडीमेड भी ले आए थे और थोड़ा से हमने घर में भी बनाए हैं। बच्चों को घर का बना हुआ ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सा हम मार्केट से भी लाए थे, नमकीन वगैरह भी ले आए थे और साथ में हम थोड़े से नमक पारे भी ले आए थे। समोसे वगैरह भी हम रेडीमेड ही लाए थे, क्योंकि घर में बनाने में बहुत ज़्यादा हमको झंझट हो रहा था, अकेले बनाना पड़ता है। और आज हमारे देव का बर्थडे भी है दोस्तों, होली वाले दिन ही उनका बर्थडे मनाया गया है। ये 17 तारीख का वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये 17 तारीख का ही है जब हम गुजिया बना रहे थे, उसी दिन हमारे बाबू का बर्थडे भी था। ये हमारे सिस्टर का बेटा है देवराज, तो इनका बर्थडे है और देखिए इनको इनसे बहुत ज़्यादा मस्ती की जा रही है। मैजिक वाली मोमबत्ती आई है तो ये मोमबत्ती बुझा नहीं पा रहे हैं, बुझाते हैं वो दोबारा फिर से जली जा रही है। तो सब लोग बहुत हंस रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं कि देव को मोमबत्ती बुझानी नहीं आती है और ये मोमबत्ती बुझाते बुझाते थके जा रहे हैं दोस्तों, परेशान हो गए हैं। लेकिन इनकी मोमबत्तियाँ नहीं बुझ रही हैं, काफ़ी देर ये बच्चा परेशान हुआ है और ये बुझने के बाद फिर से जल जा रही हैं। इनका बर्थडे है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब बुझ जाती हैं, तो ये कहते हैं मैंने बुझा दी, और उसके बाद में ये फिर से जलने लगती हैं। तो सब लोग खूब हंस रहे हैं इनके साथ, सब लोग मजाक कर रहे हैं और इनको देर हो रही है, लेट हो रहा है केक कटने के लिए, कि ये केक काटना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। और अभी हमारे यहाँ की होली भी जलने वाली, तो देखिए दोस्तों होली हमारी जल गई है और हमारी बेटी हस्बैंड बच्चे सभी लोग गए हैं होली तापने, हम नहीं गए हैं, घर ही पे हैं। तो ये वीडियो बेटी ने शूट किया है, देखिए हमारे यहाँ की होली है जो कि जल रही है। ये सुबह 5 बजे का वीडियो है, सुबह सुबह 5 बजे ये सब लोग गए थे, रात में कोई नहीं जाता है, सब लोग सवेरे ही जाते हैं। होलिका दहन तो रात में ही हो जाता है, अगर मुहूर्त रात का होता है तो रात में ही जल जाती है होली, लेकिन ये सभी लोग सुबह ही जाते हैं होली तापने। और बच्चों ने वहाँ पर खूब मस्ती की है, सुबह सुबह होली का टाइम था, वहीं से रंग भी इन लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे भी गए हैं, ये देखिए गन्ना वन्ना लेकर ये सभी लोग गए थे और गन्ना भून के ये लोग घर आए हैं और यहाँ पर होली स्टार्ट हो गई है दोस्तों। इनके आते ही यहाँ घर पे रंग
शुरू हो गया है, सभी लोग होली खेलने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी की है बच्चों ने, बहुत जम के होली खेली है। पहले तो गुलाल इन लोगों ने खेला है और जब धूप हुई है तब इन्होंने पक्का रंग भी खेला है, पानी के साथ, हरे रंग के साथ, लाल रंग के साथ अच्छे से होली मनाई गई है दोस्तों। ये बड़ी बिटिया हैं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा होली खेली है, पूरा पानी से ही इन्होंने खेला था, पक्का वाला जो कलर आता है लाल और हरा वही कलर इन लोगों ने बहुत खेला है। पूरे 3 घंटे इन लोगों ने होली खेली है। ये छोटी बिटिया है तो ये तो चाहती ही नहीं है कि इसको कलर लगे, लेकिन मैंने इसको बहुत समझाया है कि होली है थोड़ा सा खेलना चाहिए, तो ये भी निकली हैं अब, अभी घर ही पे खेल रही हैं और अभी बाहर जाके खेलेंगी। तो आप लोग देखिए कि बच्चे कितना मस्ती किए हैं, कितना ज़्यादा पक्का रंग खेले हैं, सबको ग्रीन ग्रीन कलर लगा हुआ है, किसी को ग्रीन लगा हुआ है तो किसी को रेड लगा हुआ है। और ये हर साल इसी तरह से होली खेलते हैं, बच्चों को पानी बहुत पसंद है और ये लगातार पानी में नहाए जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे गीला रंग भी खेलते हैं पक्का वाला, और उसके बाद फिर से नहाते हैं और फिर खेलते हैं। छोटे बड़े बच्चे सभी मस्ती कर रहे हैं। चुकी है दोस्तों, और देखिए हमारे भैया भाभी आए हैं होली मिलने, बहन भी आई है, मम्मी आई हैं, सभी लोग आए हैं होली मिलने। और शाम के टाइम भी इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा गुलाल खेल लिया है होली मिलने के टाइम। बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चों ने जब देखा मामा मामी आए हुए हैं तो ये अपना गुलाल उलाल लेके बच्चे तैयार हो गए हैं और सबको एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सा गुलाल लगाए हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब लोग पापड़ भुजिया खा रहे हैं। ये हमारी चाची हैं, ये उनकी बेटी हैं, ये सब लोग आए हैं रात को 9:30 बजे और सब लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। देखिए हमारी छन छन भी आई हुई हैं।